1970 रिकॉर्ड चला है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। कौन समझते हैं? बच्चे समझते हैं, जो बाप के बच्चे नहीं बने हैं वो नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि गुरु लोग हैं बिगड़ी को बनाने वाले, कोई गुसाई है, धर्म पिताएं हैं। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते रहते हैं और ज्ञान मार्ग में एक के पास जाते हैं। अगर ज्ञान मार्ग में चलने वाले भी अनेकों के पास भटकते हो तो है तो वो भी भक्ति मार्ग वाले हो गए। हाँ, ज्ञान में चल रहे हैं, समझ है, एक बार बुद्धि में समझ बैठ गई कि हमारा बाप है, हम आत्माओं का बाप है और जन्म जन्मांतर का हमारा बाप है, जो हमें बाप वर्षा देता है अनेक जन्मों की सुख शांति का, और फिर बुद्धि भटक जाए, कोई दूसरी पार्टी निकलती है, कहीं कोई पार्टी निकलती है, हैं? और दूसरों से सुनने लग पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं, तो बुद्धि भटक गई ना, अनेकों में चली गई, तो बाबा कहते हैं वो भक्ति मार्ग है। मैंने एक से सुना तो ज्ञान मार्ग, और अनेकों से सुना तो भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में फिर अनेकों के पास जाते हैं। एक से बुद्धि टूटा, एक तरफ से अनिश्चय बुद्धि हुए तो दूसरी तरफ गए, दूसरे से अनिश्चय बुद्धि, तीसरे से, चौथे से, उतरते चले जाते हैं। कितने तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, तीर्थ, तीर माने किनारा, था माने स्थान, किनारे लगाने का स्थान, भटकते रहते हैं। परंतु बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला वो तो एक ही है। अलग अलग तीर्थों पर, ठिकानों पर पंडित पुजारियों के पास जाते रहते हैं, वो कोई बिगड़ी को बनाने वाले थोड़े ही है। अभी ज्ञान है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, अनेक मठ पंथ, शास्त्र होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं, क्योंकि अनेकों के द्वारा बताए हुए रास्ते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, और कोई नहीं जानते हैं क्या? कि अभी कलयुग का अंत है, और क्या समझते हैं कि अभी कलयुग का तो प्रथम चरण चल रहा है। अभी तो कलयुग में हजारों वर्ष पड़े हुए हैं, कोई कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब अंत तो हुआ कि हुआ, कहेगा कलयुग का। मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि सतयुग कब होता है और कलयुग कब होता है। अभी क्या है, जो बहुत सुखी है तो समझते हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, कोई बहुत दुखी है तो कहते हैं ये तो रौरव नरक कलयुग है। तुम बच्चे इसके कंट्रास्ट को अच्छी रीति जान गए हो कि सतयुग किसे कहा जाता है, सत्य का युग कौन सा है और कलह युग का युग कौन सा है। कलह कलेश का युग और सत्य का युग। सत्य के युग में तो साहब सत्य मान सच्चा ही सच्चा होगा, सच्चा जहाँ होगा वहाँ सुख शांति भरपूर होगी, अफूट होगी। आपने समझाया कि स्वर्ग में सुख होते हैं और नरक में दुख होते हैं, इसमें क्या समझाने की बात है? क्या स्वर्ग में सुख क्यों? स्व माने आत्मा, गा माने गया,
जो आत्म की स्थिति में चले जाते हैं जहाँ के लोग, उनके लिए हो गया स्वर्ग। और मनुष्यों के द्वारा जो किया जाता है वो है नरक। नर माना मनुष्य, का माना करने वाला। मनुष्य जो करता है वो सब है, उससे बनता है नरक। और स्वस्थिति से जो संगठन बनता है वो होता है स्वर्ग। स्वस्थिति सिखाने वाला कौन है? दुनिया में तो इतने मनुष्य हुए नहीं, कोई मनुष्य हुए नहीं जिन्होंने आकर के ये समझाया होता कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। टीका लगाना सिखा दिया, बिंदी लगाना सिखा दिया, वो परंपरा से लगाते चले आए, लेकिन ये चीज ने बताया नहीं कि भ्रगुटी के मध्य में हम ज्योति बिंदु आत्मा पिता रहे। तो स्वर्ग में सुख क्यों होता है? क्योंकि वहाँ स्व स्थिति में गा माना गए। कौन सी स्थिति में गए? स्व स्थिति में गए। और यहाँ यहाँ मनुष्यों का सिखाया हुआ रास्ता है। मनुष्य देह अभिमानी है तो देह अभिमानियों ने देह का अभिमान का रास्ता दिखा दिया। क्या दिखाया? हम देह हैं, हम डॉक्टर हैं, हम मास्टर हैं, हम राजा हैं, हम वकील हैं, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, यही बुद्धि में भरा रहता है। माने देह का भान भरा रहता है। पुरानी दुनिया में जरूर दुखी ही होता है। दुनिया में जो भी चीजें होती है सत्व प्रधान होती है तो सुखदायी होती है, और सत्व प्रधान से धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते सत्व सामान्य रजो और तमो बन जाती है। जब तमो बन जाती है कोई चीज है तो दुखी और दुखदायी हो जाती है। कोई चीज हो, कोई मकान हो, कोई का भी शरीर हो, हर चीज दुनिया की पहले सत्व प्रधान सुखदायी, बाद में दुखदायी। तो ये दुनिया भी सत्युग में जब सत्व प्रधान थी तो सुखदायी थी, धीरे 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 सत्व प्रधान से रजो रजो से तमो बनती गई, और अब ये दुनिया दुखदायी पुरानी हो गई। पुरानी दुनिया की पहचान क्या और नई दुनिया की पहचान क्या? पुरानी दुनिया में अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक मठपंथ, अनेक भाषाएं, अनेक मत मतांतर, और नई दुनिया, नई दुनिया में सब एक ही है, अद्वैत ही अद्वैत। द्वैत का नाम निशान नहीं, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत। अभी कलयुग की दुनिया में देखो अनेक प्रकार के झगड़े आ गए हैं। नई दुनिया में ये सब होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? कारण पता चला? वहाँ झगड़े आदि क्यों नहीं होंगे सत्युग में? क्योंकि वहाँ एकता और यहाँ अनेकता। तो एकता में है सुख और अनेकता में है दुख। तो ला ऐसे कहता है, कैसे कि जहाँ एक ही एक है वहाँ सुख ही सुख है, और जहाँ अनेक है वहाँ दुख है। तुम कोई को भी समझा सकते हो, ये दुनिया कलयुग है, कलह कलेश का युग है, लड़ाई झगड़े मारा मारी का युग है, क्योंकि एक की मत न मिले दूसरे से। अभी सत्युग तो पास्ट हो गया, ये कोई नहीं कहेगा कि अभी सत्युग है। चलो बहुत सुखी लोग होंगे तो भी ये नहीं कहेंगे क्या ये अभी सत्य का युग है, क्योंकि वो अंदर से जानते हैं। जो बहुत सुखी लोग हैं वो भी अंदर से जानते हैं कि हम करोड़पति अरबपति झूठ की कमाई से बने, सत्य की कमाई से नहीं बने। तो सत्य का वो पास्ट हो गया है। वहाँ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। जैसे शंकराचार्य चुनार में प्रदर्शनी पर आया तो उनको भी नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क समझाना चाहिए। नई दुनिया किसे कहा जाता है? उसकी बुद्धि में बैठे। और पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है? नहीं तो उनकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है,
ये देखो कितनी ऊंची ऊंची महलवाणियां अटारियां बनती चली जा रही। तो नई दुनिया वो वहां समझते हैं जहाँ बहुत ऊंची महलवाणियां अटारियां बने हुए विदेश में भागते रहते हैं। शंकराचार्य और जो भी सन्यासी हैं बड़े बड़े वो कहाँ भागते हैं? वो विदेशों में भागते हैं। वो समझते हैं वहां नई दुनिया बन रही। तो उनको भी समझाना चाहिए, भले ऊंची ऊंची महलवाणियां अटारियां बनती चली जा रही हैं, लेकिन वहाँ एटम बम भी बन के तैयार हुए पड़े। वहाँ के रहने वाले हैं उनसे बहुत दुखी है, पता नहीं ये कब विस्फोट होना शुरू हो जाए। तो उन्हें फर्क समझाना चाहिए, भले वो कुछ भी कहे, क्या वो अपनी चाय चाय लगाएंगे, लेकिन तो अपनी बात सुना उन्हें जरूर। कोई 10,000 वर्ष कल्प की आयु कहते हैं, कोई 30,000 वर्ष भी कहते हैं। अब देखो अनेक मतें हो गई, उनके पास तो है शास्त्रों की मतें। शास्त्र अनेक मनुष्यों ने लिखे हुए, एक मनुष्य के तो शास्त्र लिखे हुए है नहीं, तो अनेक मतें हो जाती हैं। अनेक शास्त्रों की अनेक मतें हैं, अनेक मनुष्यों की मतें हैं, और शास्त्र भी लिखे तो मनुष्यों ही है ना। कुछ देवताओं ने तो शास्त्र लिखे नहीं, न देवताएं शास्त्र लिखने का धंधा करते थे। देवताएं कोई शास्त्र लिखते नहीं है, उन्हें शास्त्र लिखने की दरकार है ही नहीं। सत्युग में दैवी गुण वाले मनुष्य होते हैं, उनको कहा जाता है देवता। और मनुष्य होते हैं कलयुग में, क्या अंतर हुआ देवताओं में और मनुष्यों में? मनुष्यों का मन बड़ा चंचल होता है और देवताओं का मन कॉन्सेंट्रेटेड स्वस्थिति में स्थित। ये अंतर हुआ, उनको कहा जाता है देवता और उनको कहा जाता है मनुष्य। मनुष्य माना जो बहुत बुद्धि बहुत चलाते हैं, मन बहुत चलाते हैं। सत्युग में देवता धर्म होता है, उनको मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता है देवताओं को। क्यों देवताओं को मनुष्य क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि उनका मन चलायमान होता नहीं, उनका मन स्वस्थिति में आत्म की स्थिति में स्थित रहता है। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि भी मिलते हैं तो उनको भी यह बात बैठ करके सुनाना चाहिए, बताना चाहिए कि देखो ये विचार की बात है कि नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य थे और अभी पुरानी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हो गए, क्योंकि अनेक धर्म हो गए हैं, अनेक मतें हो गई हैं, तो जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि हो गई, कारण क्या हुआ? वहां स्वयं स्थिति में थे तो आत्म की स्थिति में होने के कारण विकारों की वृद्धि नहीं होती थी, और यहाँ स्वयं स्थिति में है नहीं, परचिंतन ज्यादा करते हैं तो परचिंतन करने से देहभान बढ़ता चला जाता है, परचिंतन से पतन की जड़ें बन जाती हैं, और जब आदमी ज्यादा देहभानी बन जाता है तो विकार भी ज्यादा पैदा होता है। जितना ज्यादा देहभान उतने ज्यादा विकार, देहभान कम होगा तो विकार भी कम हो जाएंगे। सत्युग में सिर्फ एक ही धर्म था, दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में। क्या कोई मनुष्य हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे कोई बड़ा बड़ा सन्यासी हो, और वो ये कहें कि हम दैवी गुणों वाले हैं और सारी दुनिया आसुरी गुणों वाली है, तो ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में सब मनुष्य हैं, देवता कोई दैवी गुणों वाला है ही नहीं। मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं, जो करते हैं देवताओं के आगे नमन करते हैं। नमन करते हैं माना मन बुद्धि को झुकाते हैं। क्यों झुकाते हैं? हाँ, क्योंकि उनकी बुद्धि एकाग्र होती है, उनकी बुद्धि विविचारी अनेक गामी नहीं होती है। तो देवताओं के आगे मंदिरों में सब माथा झुकाते हैं, नमन करते हैं, उन देवताओं की महिमा गाते हैं। ऐसा उन्होंने क्या किया देवताओं ने जो उनकी महिमा गाते हैं मंदिरों में जाकर? कुछ किया होगा तब तो महिमा गाते हैं, क्या किया?
अरे उन्होंने अनेकों में बुद्धि नहीं रमाई, उन्होंने एक को याद किया, तो एक को याद करने से उनकी बुद्धि एकाग्र एकाग्र बन गई, स्वस्थिति बन गई। तो जानते हैं महिमा गाने वाले कि वो स्वर्गवासी थे। क्या स्वर्गवासी माना? स्वस्थिति में जाने वाले थे, और हम परिस्थिति से घबराए जाते हैं। परेशान क्यों होते हैं? वो भी परेशान होते हैं तो क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि स्वस्थिति की शान में नहीं रहते तो परेशान होते हैं। बाबा कहते हैं अभी परेशानी तो बढ़ेंगी या घटेंगी? दुनिया में परेशानी तो अभी बढ़ेंगी, ज्यो ज्यो आबादी बढ़ती जाएगी क्यों क्यों दुनिया में परेशानियां बढ़ती चल जाए, परचिंतन बढ़ता चला जा रहा है। तो परचिंतन से परेशानी बढ़ती है, स्वचिंतन से उन्नति होती है बुद्धि की। बुद्धि छोटी छोटी बातों में जाती नहीं। तो वो तो बोला, कोई कहे कि फलाने में बहुत अच्छे गुण हैं, कोई कहता है मान लो कि फलाने व्यक्ति में बहुत अच्छे गुण हैं, वो तो जैसे देवता है, तो बोलो नहीं, दैवी गुण तो देवताओं में ही होते हैं। क्यों होते हैं? दैवी गुण कहाँ होंगे? दिव्य गुण, देवी गुण उन देवताओं में ही हो सकते हैं जो कि अव्यभिचारी होते हैं। जो व्यभिचारी होते हैं वो तो वैचारी निवासी है, उनकी दृष्टि भी व्यभिचारी बनती है, उनका मनन चिंतन मंथन भी व्यभिचारी बनता है, उनके कान भी व्यभिचारी बनते हैं, उनका सारे अंग व्यभिचारी हो जाते हैं। तो व्यभिचार से बनता है वैचाल्य, और अव्यभिचार से बनता है शिवालय। यहाँ पवित्र ना होते हैं तो गुण भी नहीं हो सकते कोई, पवित्र बने तो दैवी गुण भी धारण हो सकते हैं। आखिरी रावण राज्य है ना, वहां कोई रावण का राज्य नहीं होता है। किसका राज्य होता है? वहां सतयुग में किसका राज्य होता है? स्वर्ग में देवताओं का राज्य होता है, रामकृष्ण जैसे देवताओं का राज्य है। इस दुनिया में तो शैतानी राज्य है, शैतान और भगवान, भगवान का राज्य नहीं है। भगवान का राज्य है किसी के ऊपर नहीं? भगवान का इस समय भगवती के ऊपर भी राज्य नहीं। सबसे पहले तो घर का सुधार होगा, कि पहले बाहर की दुनिया का सुधार होगा, पहले घर का सुधार। तो इसको शैतानी राज्य कहा जाता है। कहाँ की बात है? राम की सीता चुराई हुई, राम को भगवान कहते हैं। अरे भगवान की सीता चुराई हुई, फिर रहे कौन जाएगा? सारी यहाँ की बातें हैं। ये रावण राज्य है। शंकराचार्य को भी नई दुनिया और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट दिखाना चाहिए। ये है नई दुनिया कलयुग, और ये है पुरानी दुनिया। इस पुरानी दुनिया में सारा पुराना ही पुराना, सुख का नाम निशान हो नहीं सकता। नई झाड़ में दैव गुण वाले देवताएं रहते, झाड़ जब पुराना होता है रावण राज्य में दैव गुण वाले हो नहीं सकते। सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था क्या? आज की दुनिया में कहीं है प्रवृत्ति मार्ग है? क्यों घर घर में युगल रहते हैं, प्रवृत्ति मार्ग नहीं है क्यों? है चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया में कोई देश हो, युगल तो हर घर में रहते हैं, रहते हैं, लेकिन आपस में टकराहट ऐसा कोई भी युगल नहीं है जिसके आपस में टकराहट न होती हो, कलह क्लेश न होता हो। तो सतयुग में आज सनातन देवी देवता धर्म का प्रवृत्ति मार्ग था, अभी प्रवृत्ति मार्ग
पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं है। माने युगल तो है लेकिन उनकी दृष्टि वृत्ति कुछ न कुछ चंचल इधर उधर होती रहती है। वो चंचलता से क्या होता है, है? स्वर्ग की बजाय और ही नरक बनता चला जा रहा है। अब प्रवृत्ति मार्ग वालों की महिमा गाई जाती है, सचिव में हम पवित्र है। प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवताएं थे, सन्यासी लोगों को इन देवताओं की महिमा बुद्धि में आवेगी नहीं। क्यों? सन्यासी लोगों की बुद्धि में ये देवताओं की महिमा क्यों नहीं आवेगी? क्योंकि तो अपन को ही शिव हम कहे बैठे, वो अपन को ही शिव हम ब्रह्मास्मि हम ही भगवान है हम ही ब्रह्मा है, वो तो अपन को देवताओं से भी ऊंच समझते हैं। तो देवताओं की महिमा उनकी बुद्धि में आती नहीं है। भले कहते हैं ओम नमो नारायण, क्या नारायण को मुख से कहते हैं नमन, लेकिन बुद्धि में इनकी ये नहीं आता है कि मंदिर में जिस शिवलिंग की हम आरती उतारते हैं जाकर के, तो आरती पहले शिव की उतारवाएं या पहले अपनी उतारवाएं? वो क्या करते हैं, उनके चेले जो है पहले अपने गुरु जी की आरती उतारेंगे, फिर मंदिर में जाके लक्ष्मी नारायण जैसे शिवलिंग की आरती उतारेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो देवताओं को अपने से ऊंचा नहीं मानते, वो समझते हम पवित्र रहते हैं, हम ही हैं पवित्र रहने वाले, और वो देवताओं को उतना बुद्धि उनकी बैठता नहीं। तो देवताओं की महिमा सन्यासी लोगों की बुद्धि में आवेगी नहीं, क्योंकि वो तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, जो नहीं आवेगी वो तो प्रवृत्ति को अपने घर घाट को बिगाड़ करके बाल बच्चों को यतीम बना के छोड़ करके चले जाते हैं। वो प्रवृत्ति को बनाते नहीं और ये जो बनी बनाई प्रवृत्ति है उसको बिगाड़ के चले जाते हैं। संन्यास मार्ग था ही नहीं पहले, पहले था ही इस दुनिया में प्रवृत्ति मार्ग, बाद में जब से ये दूसरे धर्म आए तब से ये निवृत्ति मार्ग पैदा हुआ। कितनी पॉइंट मिलती है, पर सभी पॉइंट किसी की बुद्धि में बैठ नहीं सकती है, पॉइंट भूल जाते हैं, तो पॉइंट जो भूल जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, एक ही दैवी गुण अच्छा है, जात की कोई से भी ना बोलना, क्या सबसे बढ़िया गुण चुपको, ज्यादा किसी से बोलचाल नहीं करनी, मीठा बोलना, बल अगर बोलना भी है तो मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए, थोड़ा बोलना, मीठा बोलना, धीरे बोलना, बहुत मीठा धीरे और कम बोलो तो समझा जाता है ये किसी रायल घर का आदमी है। कौन? जो मीठा बोलता है, कम बोलता है और धीरे बोलता है, उसे समझते हैं ये कोई बड़ा आदमी है, रायल आदमी है। मुख से सदैव रतन निकलती रहे, सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको तुम पुरानी और नई दुनिया का कंट्रास्ट बताते हो। सचिव में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वो प्रवृत्ति मार्ग था, दैवी गुण था तो क्यों था, दैवी गुण वाले देवताएं क्यों थे, क्योंकि उस समय पवित्र प्रवृत्ति थी, और अभी आसुरी गुण वाले क्यों बन गए, क्योंकि प्रवृत्ति में विचार घुस गया, दृष्टि का भी विचार, वृत्ति का भी विचार, कर्मेंद्रियों का भी विचार, वाचा का भी विचार, एक की महिमा नहीं करेंगे। घर में अपना आदमी बैठा हुआ है, पराई की उसके सामने महिमा करेंगे तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं? तो सदैव मुख से रतन निकले, सत्युग में प्रवृत्ति मार्ग था, सन्यासियों का भी धर्म अलग है, फिर भी ये तो समझते हैं ना कि कोई नई सत्व प्रधान दुनिया भी होती है, आदि तमो प्रधान है, आत्मा तमो प्रधान होती है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। क्यों? आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर क्यों तमो प्रधान मिलता है? जब बीज ही तमो प्रधान है, बीज ही खराब है तो पौधा कैसे कैसा पैदा होगा?
वो भी तो वैसा ही पैदा होगा। तो ये शरीर है वृक्ष और आत्मा है बीज। अभी है ही पति दुनिया, इस पतित दुनिया में सबको पतित कहेंगे, कोई भी पावन है नहीं। ये बात कहने से सन्यासी नाराज हो जावे। क्यों नाराज हो जावे? वो समझते हैं हम तो बर्दाश्त छोड़ दिए, हम काहे के लिए अपवित्र, हम क्यों पतित हैं? वो अपन को पावन समझते, फिर उनको समझाना पड़े क्या तुम पावन हो? वो तो बाद में बने पावन के, पहले पावन थे है? जब पैदाइश तुम्हारी हुई थी गोमूत से पैदाइश हुई थी कि कैसे अच्छे क्या अच्छे गुणों से पैदाइश हो गई थी, तुम्हारी पैदाइश ही पतित पने से हुई है। तो उनकी बुद्धि में आएगा हाँ, जिसकी पैदाइश ही पतित पने से है वो कभी पावन नहीं बन सकता। वो कहेंगे तुम ब्राह्मण अपन कैसे हो, ब्रह्मा की औलाद तुम कैसे पावन हो गए? उन्होंने भी तो किसी शरीरदारी से जन्म लिया है। उनसे कहो नहीं, हमारा तो जन्म ही बदल गया, वो तो पुराना जन्म हो गया। इस जन्म में तो हम ब्रह्मा की प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं। क्या हम कोई गुआ चीजी से पैदा होने वाले अब नहीं हैं? हमारा तो बाप प्रजापिता और अम्मा ब्रह्मा है। अब प्रैक्टिकल में हम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं, हम उन्हीं एक की मत पर चलते हैं और कोई की मत पर चलने वाले नहीं है। तो पतित दुनिया में सबको पतित कहेंगे, पावन दुनिया में सबको पावन कहेंगे। फिर वो कहेंगे अच्छा तुम पावन हो या पतित हो? तो ये नहीं कहो कि हम पतित हैं या पावन है, क्या कहो? नहीं, हम पतित से अभी पावन बन रहे हैं। ये भी नहीं कहना कि हम पावन बन गए, ये भी नहीं कहना कि हम पतित हैं, क्या कहना? हम पतित से पावन बन रहे हैं, क्योंकि अभी रावण राज्य है ना दुनिया में, यथा राजा तथा प्रजा रहनी पड़ती है। जब राम का राज्य आ जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? तो हम पावन हो जाएंगे। तो वो है पावन सत्व प्रधान दुनिया, वो ही नई दुनिया सो अब पुरानी दुनिया हो गई। आत्मा सत्व प्रधान से तमो प्रधान अब बन गई है। क्यों बन गई है? क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है। तमो प्रधान दुनिया में जो भी आत्माएं जन्म लेंगी वो सब तामसी शरीर धारण करेंगी। 20 मार्च 1967 की वाणी का दूसरा के तो पुरानी दुनिया में देखो कितने हंगामे, क्योंकि मनुष्य अब नास्तिक बन गए हैं। क्या क्यों नास्तिक बन गए? पहले एक को मानते थे, बाद में अनेकों को मानने लगे, अनेकों को मानते मानते बुद्धि में बैठ गया कि ये सब झूठे। जब अनुभव किया कि सब झूठे हैं तो नास्तिक बन पड़े, भगवान को कहीं मिलता नहीं। मनुष्य नास्तिक बन गए हैं, धनी बाप को जानते नहीं है, धनी के नहीं है ना, न रचयिता को जानते हैं न रचना को जानते हैं, वो या नास्तिक थे। तो ऐसे नास्तिकों को बताना चाहिए कि इस नास्तिकता से होगा हंगामा। क्या जो नास्तिक होते हैं न स्वर्ग को मानते हैं न नरक को मानते हैं न भगवान को मानते हैं न आत्मा मानते न परमात्मा मानते, ऐसी आत्माएं जो है वो फिर क्या मानती है कि हमारा जो शरीर है यही सब कुछ है। ये शरीर जब तक है तब तक दुनिया के सुख भोग लो, क्या उधार लेते रहो और घी पीते रहो, क्योंकि वो पुनर्जन्म को तो मानते ही नहीं। तो उनको भी समझाना है, क्या समझाना है कि देखो तुम जो नास्तिक बन गए हो तो तुमने दुनिया का कल्याण नहीं किया। क्या किया? एटम बम बना लिए। जिस दुनिया में रहते हो उसी दुनिया का विनाश का सामान तैयार कर लिया। तुम्हारी बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो गई। जिस डाल पर आदमी बैठे उसी डाल को काटने लगे तो क्या हाल होगा? नीचे गिरेगा या स्वर्ग में जाएगा? कौन नीचे गिरेगा?
तो तुम नरचयता को मानते हो, नरचना को मानते हो, जानते ही नहीं हो, वो अनाते हो। इसलिए देखो कितना हंगामा है। रचयता और रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। दुनिया में सब क्या है, सब नास्तिक हो गए। क्यों? क्योंकि रचयता एक बाप को, इस दुनिया का जो एक रचयता है, उस रचयता बाप को नहीं जानते और उसकी रचना को भी नहीं जानते। कौन है रचयता बाप? इस दुनिया का, मनुष्य सृष्टि का रचने वाला बाप कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा किस रूप में? शिव बाबा हमने कह दिया, तो शिव बाबा की रचना कौन? ब्रह्मा। शिव बाबा की रचना ब्रह्मा। तो ब्रह्मा बहुत बढ़िया रचना है, बाकी आठ फेलों के खत्म हो गया है। ये बढ़िया रचना हो गई, बढ़िया रचना है ना, बढ़िया रचना। प्रजापिता, प्रजापिता तो पतित है। भगवान आकर के पतित की सृष्टि बनाएगा क्या? ये कहें कि प्रजापिता के तन में आकर के वो सुप्रीम सोल निराकार क्या बनाता है? प्रजापिता को नर से नारायण बनाता है और नारी से लक्ष्मी बनाता है। ओ नारायण उनको कहेंगे रचयिता। इस सारी सृष्टि का रचयिता कौन? जो संगम नारायण है वो हुए रचयिता। उनको शिव बाबा कह दो। इसलिए मुरली में बोला है नारायण को याद करना सबसे अच्छा पुरुषार्थ। कौन से नारायण को? सती के नारायण को नहीं, वो तो उतरती कला के होंगे, उनकी तो उतरती कला हो जाएगी। और संगम भी लक्ष्मी नारायण की तक है सब उतरती कला है। तो बोला उन सन्यासियों को बताओ कि तुम सन्यास धर्म वाले नई दुनिया को नहीं जानते हो क्या? तुम सत्यु की नई दुनिया में आने वाले नहीं हो, इसलिए नहीं जानते। हम सत्यु की नई दुनिया में जाने वाले हैं, इसलिए हमारी बुद्धि में बैठता है कि नई दुनिया क्या होती है और पुरानी दुनिया क्या होती है। तुम तो वहाँ आते ही नहीं हो। जो भी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि हैं, जो भी सन्यासी हैं सन्यास धर्म के, वो सब कब आवेंगे? सत्यु के पहले जन्म में आवेंगे या बाद वाले जन्म में आवेंगे? बाद वाले जन्म में आवेंगे। हम तो आते हैं नई दुनिया में, हम नई दुनिया में आते हैं, इसलिए हम ही नई दुनिया में आने के संस्कार अपनी बुद्धि में बरते हैं। बाप ने समझाया है, अभी सभी आत्माएं सम प्रधान बन गई है। तत्व प्रधान कौन बना देगा? सभी आत्माओं को, सारी आत्माएं सम प्रधान बन गई, कौन बना देगा तत्व प्रधान? आत्माओं को आत्माएं सत्व प्रधान बना देंगी क्या? आत्माएं तो सब जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। सब तमो प्रधान बन गई, सबको अपना पूर्व जन्म भूल गया, अपने आगे पीछे की कोई तीनों कालों की हिस्ट्री तो जानता ही नहीं सारी सृष्टि की। तो सत्व प्रधान आत्माओं को कौन बना देगा? वो ही बना देगा जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप वो ज्योति बिंदु शिव है, जो कि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, सुख और दुख दोनों से ज्ञान है। न स्वर्ग में आके सुख भोगता है और नरक की दुनिया में न आकर के द्वापर कलयुग में दुख भोगता है। वो दोनों से परे है, वो अभोक्ता, वो अकर्ता शिव इस शक्ति पर आकर के जब मनुष्य शक्ति के पिता में प्रवेश करता है, तो वो सारी शक्ति को सतो प्रधान, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है। तो पूछा है सत्व प्रधान कौन बनाता है आत्माओं को? वो तो बाप ही बना सकते हैं। सत्व प्रधान नई दुनिया में थोड़े मनुष्य रहते हैं क्या? बाप ही अकेले क्यों बना सकते हैं? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट क्यों नहीं बना सकते? क्राइस्ट ने भी तो देखो 150-200 करोड़ क्रिश्चियन पैदा कर दिए। अभी क्रिश्चियन की संख्या कितनी है दुनिया में? 150-200 करोड़ क्रिश्चियन की संख्या। मुसलमान भी ढेर के ढेर है। कितनी बड़ी बड़ी जनरेशन जिन्होंने पैदा कर दी। तो
सौ प्रधान दुनिया को सत्य प्रधान नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते हैं? इसलिए नहीं बना सकते कि उनमें कोई भी इतनी ताकत नहीं है जो पुरानी दुनिया के धर्मों को, चाल चलन को, रीति रस्म रिवाज को, पुरानी दुनिया के जो जितने भी आसुरी संप्रदाय हैं उनको खलास कर सके। सबने आकर के अपना अपना धर्म से स्थापन किया लेकिन पुराने धर्मों का विनाश नहीं किया। एक शिव ही है जो इस शक्ति पर आकर के पुराने धर्मों का खलासा कर देता है और नई दुनिया की स्थापना कर देता है। तो नई दुनिया में थोड़े मनुष्य रह जाते हैं क्योंकि पुराने सब खलास हो जाते हैं। जो नई दुनिया की स्थापना होती है वो थोड़े से मनुष्य होते हैं, वो बचे रहते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। क्या इस दुख दर्दों की दुनिया से उन सबकी मुक्ति हो जाएगी? जीवन मुक्ति उनको नहीं मिलेगी। क्यों उनको जीवन मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी और हमको जीवन मुक्ति क्यों मिलती है? क्योंकि हम इस जीवन में रहते बाप को पहचान करके बाप के सहयोगी बनते हैं नई दुनिया बनाने के लिए। उनकी बुद्धि में नई दुनिया बनाने का प्लान आएगा ही तो बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते और हम जीवन मुक्ति पाते हैं। जीवन में भी रहते हैं और दुख दर्दों से मुक्त भी हो जाते हैं तो हम नई दुनिया के बनाने के निमित्त बनते हैं। बाकी ब्रह्म तो महत्व है, जहाँ पर कि हम आत्माएं रहती हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्म भगवान है। सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं, आत्मा तो अविनाशी है। भले मुक्ति धाम में आत्माएं चली जाती है लेकिन ऐसे नहीं कि उनका विनाश हो जाता है। वो आत्माएं फिर अपने अपने टाइम पर इस सृष्टि पर वापस आती है और अपना सुख दुख का खेल करती है। आत्मा अविनाशी है, ये अविनाशी नाटक है जिसमें सब आत्माओं का पार्ट रुधा हुआ है। या ऐसी एक भी आत्मा नहीं है कि जो मुक्त होकर के परम नाम में ही पड़ी रहे फिर वापस ना आए। वो सन्यासी लोग तो समझते हैं कि हम मुक्ति को पावेंगे फिर अब इस दुनिया में वापस कभी आवेंगे नहीं, हमारी हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगी। लेकिन सदाकाल की मुक्ति कोई की होती नहीं है क्योंकि जब भगवान के लिए शास्त्रों में लिख रखा है कि कल्प कल्प लग प्रभु अवतारा, हर कल्प में भगवान को आना पड़ता है और तो उन्होंने लिख दिया हर युग में भगवान को आना पड़ता है। तो जब भगवान को बार बार आना पड़ता है तो आत्मा कैसे मुक्त हो जाएगी? ये हो नहीं सकता। ये कब नाटक शुरू हुआ ये कोई बता ही नहीं सकते। ये तो अनादि ड्रामा है। बाप को तो सिर्फ पुरानी दुनिया को ही नया बनाने के लिए आना होता है। उनका धंधा क्या है? बाप का धंधा है पुराने को बिगाड़ के नया बनाना। पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, ऐसे नहीं कि बाप आकर के कोई नई दुनिया रच देते हैं। क्या नई दुनिया नहीं बनाते हैं? अलग से कोई नई दुनिया बना दे? नहीं, पुरानी दुनिया की ही शख्सियत को ज्ञान दे करके और फिर उनको नई दुनिया में जाने लायक बनाए देते हैं। जब पतित होते हैं तो पुकारते हैं और जो पावन होते हैं वो कभी पुकारते ही नहीं। सती पुत्रिता में देवता है भगवान को पुकारेंगे क्या? नहीं पुकारेंगे। आप पतित बन गए तो ये पतित पावन सीताराम आओ कह करके बुलाते हैं। सती को कब कोई नहीं पुकारते? इसका मतलब ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ऐसे ब्राह्मण है या नहीं है जो पुकारते रहते हैं भगवान को, आह्वान करते रहते हैं? कौन है? ब्रह्मा कुमारी क्या करते हैं? किसको पुकारते हैं? ब्रह्मा बाबा को बार बार गुलजार दादी के तले में पुकारती रहती है। जिनको पुकारते हैं उनको यही नहीं पता है कि वो ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है। क्या ब्रह्मा कोई भगवान नहीं होता है? भगवान ब्रह्मा तो नीचे तबके का है। तो जो नीचे तबके में देखा है ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही दिखाई है ना, उनमें साकार पति दुनिया की तरह कौन सी मूर्ति दिखाई है? ब्रह्मा की मूर्ति दिखाई।
तो जो ब्रह्मा जी मूर्ति पति दुनिया की दुखधाम की तरफ दिखाई है वो भगवान कैसे हो सकता है? उनकी बुद्धि में बैठता नहीं। तो सत्युग में कोई कब नहीं पुकारते। इस कलयुग की दुनिया में जो पतित मनुष्य होते हैं वो ही पुकारते हैं। सत्युग में तो है ही पावन दुनिया, रावण पतित बनाते हैं। क्या राम पावन बनाते हैं और रावण पतित बनाते हैं? क्यों? रावण क्यों नहीं पावन बना सकता? क्योंकि रावण को अनेक सिर हैं। बुद्धि 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 माना सिर, सिर में ही तो बुद्धि होती है। तो उनको अनेक मत हैं, अनेक मत होने के कारण वो पति ही बना देंगे, वो पावन नहीं बना सकते। परमपिता परमात्मा आकर के पावन बनाते, आधा आधा कल्प तो जरूर कहेंगे कि आधा कल्प रावण का राज्य, अनेक सिरों का राज्य, और आधा कल्प एक राम का राज्य। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, ये आधा आधा है। ज्ञान से दिन हो जाता है, वहां अज्ञान नहीं है। कहा सत्युग में अज्ञान नहीं है? सत्युग त्रेता दिन कहा जाता है तो वहाँ अज्ञान नहीं होता देवताओं में? देवता इस सत्य के आदि मध्य अंत को जानते हैं क्या? भले नहीं जानते हैं लेकिन उनमें आत्मिक स्थिति पक्की होती है। तो भक्ति मार्ग को अंधेरा कहा जाता है, ज्ञान मार्ग को सोझना कहा जाता है। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधेरे में आते हैं। इसलिए सीढ़ी में दिखाया है कि मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। तमो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान कोई नहीं हो सकता। तमो प्रधान दुनिया में साफ तमो प्रधान, सतो प्रधान दुनिया में साफ सतो प्रधान। सतो प्रधान होते ही है सत्य में। आप साफ की जर्जरी मूत अवस्था है। बाप आए हैं ट्रांसफर करने के लिए, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए। जब देवताएं थे तो आश्री गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अभी तो आश्री गुण वालों को दैवी गुण वाला कौन बनावे? आश्री गुणों वालों को दैवी गुणों वाला कौन बनावे? नाम चाहिए, कौन बनावे? अरे वकील, वकील मास्टर होगा। वकील जो है जब टीचर बनता है तो वकीलों की पैदाइश करता है। डॉक्टर होता है वो पढ़ाई पढ़ाता है तो क्या बनते हैं? डॉक्टर बनते हैं। इंजीनियर होता है इंजीनियरिंग पढ़ाता है तो इंजीनियर बनते हैं। तो देवताओं को पढ़ाने वाला कौन होना चाहिए? देवताओं को पढ़ाने वाला भी देवता होना चाहिए। सेवकों देवता नहीं कहेंगे। हाँ सेवक जिसमें प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करेगा उसको पहले से पहले आगे बढ़ाएंगे। तो शिव जिसमें पहले पहले प्रवेश करता है मनुष्य सृष्टि के बीज में पिता में, उसको नर से नारायण देवता बनाता है। अभी तो अनेक धर्म है, अनेक मनुष्य हैं तो झगड़ते रहते हैं। सत्युग में एक धर्म होता है, दुख की वहाँ कोई बात होती नहीं। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी है। क्या कौन सी दंत कथाएं लिख दी है? कि त्रेता में भी रावण था, दो देने वाला रावण त्रेता में कहां से आ गया? वहां तो रामराजी था। रामराजी का तो शास्त्रों में कितना वर्णन है, कितनी महिमा है। फिर कहते हैं सत्युग में हिरण्यकश्यप था। तो सत्युग में भी अगर हिरण्यकश्यप था, प्रहलाद को सुख देता था, तो फिर सुख कहाँ होगा? सत्य का युग ही हुआ। अगर दुख का युग कह दिया तो फिर सुख की तो बात ही नहीं। बहुत दंत कथाएं लिख दी। ये दंत कथाएं जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। अभी इन दंत कथाओं को पढ़ना और सुनना सुनाना भूल जाना चाहिए। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के साथ है। ज्ञान मार्ग का कोई शास्त्र होता ही नहीं। क्या ज्ञान मार्ग में भगवान आकर के मुख से जो सुनाते हैं डायरेक्ट वो ही ज्ञान है। भगवान का सुना हुआ कोई दूसरा सुनाएगा
तो उसमें कुछ न कुछ मिक्स कर दिए। जो मिक्स हो जाएगा जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा हो और उसमें एक बूंद सांप का विष डाल दिया जाए तो सारा क्या हो जाएगा, सारा ही विषैला हो जाएगा। तो ऐसे ही भगवान का जो सन्मुख सुनाया हुआ ज्ञान है वो ही ज्ञान है, और उसके अलावा जब वो सुनाया जाता है दूसरों को तो वो सब विषैला। ब्रह्मा के मुख से परमात्मा ने वाणी चलाई तो उस समय उत्थान हो रहा था ब्राह्मण परिवार का, फिर बाद में 69 में 18 जनवरी को बाबा ने फिर छोड़ दिया। तो उसके बाद जो ज्ञान सुनाया गया उससे क्या स्वर्ग बनेगा, क्यों नहीं बनेगा स्वर्ग? क्योंकि जो सुना हुआ है वो ही मनुष्यों ने सुनाना शुरू किया, मनुष्य सब विकारी, तो विकारी मनुष्यों ने उसमें विकृति करना शुरू कर दी। तो भक्ति मार्ग के अनेक शास्त्र हो जाते हैं, अनेक मतें हो जाती है। ज्ञान मार्ग में तो शास्त्र होते ही नहीं, यहाँ ज्ञान मार्ग में तो एक बात ही आकर के जो सन्मुख सुनाते हैं उससे स्वर्ग प्राप्त। उन शास्त्रों से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकते। मुरली है, कागज के पत्ते सेंटरों में पढ़ के सुनाए जाते हैं जी के आश्रम, तो मनुष्य सुनाते हैं या भगवान सुनाते हैं? उन्हें मनुष्य सुनाते हैं, तो उससे स्वर्ग बनेगा कि नरक बनेगा? मनुष्य जो करेगा चाहे मुरली ही क्यों न पढ़े तो भी क्या बनाएगा, नरक बनाएगा। और भगवान मुख से जो सुनाते हैं उसे स्वर्ग बनता है। मुझे तो एक ही बार आकर के सबकी सदगति करनी है, एक ही बार आकर के करनी है। क्यों, ब्रह्मा के तन में नहीं आया एक बार है? माँ के रूप में आया, बाप के रूप में, सदगति करने वाला बाप के रूप में नहीं आया। वापस कोई अभी नहीं जा सकते हैं, बहुत धैर्य से समझाना चाहिए। समझाने वाले को ये अटेंशन रखना है कि हम ऐसे समझावे जो कोई हंगामा न हो जाए। क्या मान लो कोई सन्यासी को समझा रहा है, शंकराचार्य को समझा रहा है, और समझाते समझाते बैलेंस बिगड़ गया, ताव में आ गया और उसने सन्यासियों को कुछ उल्टा पलटा बोलना शुरू कर दिया कि तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो, तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। जो उनके फॉलोअर्स हैं वो झगड़ा शुरू कर देंगे। तो ऐसा भी ना हो कि हंगामा हो जाए। उन लोगों को अपना ही अहंकार बहुत रहता है ना, इन लोगों को, सन्यासियों को, साधु संतों के साथ फॉलोअर बहुत रहते हैं, झट कह देंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया। अगर उनकी बुद्धि में बैठेगा भी ना तो उनके फॉलोअर्स उनको उनको बहुत बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। सयाने मनुष्य जो होंगे वो कहेंगे विचार करने योग्य बातें हैं। प्रदर्शनी में तो अनेक प्रकार के आते हैं, समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए जैसे कि बाबा धीरे से समझाए रहे। समझाते समय बहुत जोर से भी नहीं बोलना चाहिए। क्या कोई कोई होते हैं बहुत उमंग उत्साह आ जाता है, तेज में आ जाते हैं, जोश आ जाता है, समझा रहे हैं एक आदमी को और आवाज आवाज बड़ी लंबी चौड़ी निकाल रहे हैं। अरे एक आदमी को समझा रहे तो एक आदमी के कान में जितनी आवाज है उतनी बोलो ना। तो बहुत जोर से भी नहीं बोलना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत कट्ठे आ जाते हैं तो फिर कह देना चाहिए कि आप लोग इकट्ठे होकर ना आओ, थोड़ा थोड़ा करके आओ। एकांत में आकर के आप समझेंगे तो हम आपको गहराई से समझाएंगे, नहीं तो क्या होगा, एक एक प्रश्न करेगा, दूसरा दूसरा प्रश्न करेगा, तीसरा तीसरा करेगा और बात कौआ रेगा हो जाएगी। तो आप आके एकांत में आकर के समझेंगे तो आपको हम रचयिता और रचना के राज समझा देंगे। रचयिता की आदि मध्य और अंत का ज्ञान दूसरा तो कोई समझा ही नहीं सकता। दूसरा कौन, माना रचयिता की आदि मध्य अंत का ज्ञान रचयिता ही समझा सकता है, रचयिता के अलावा और कोई दूसरा नहीं समझा सकता।
भगवान खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। भगवान की सिवाय भगवान का परिचय कोई दूसरा दे नहीं सकता। बाकी तो सब नेति नेति करके जाते हैं, कोई भी मनुष्य नहीं जान सकते हैं कि सत्य के आदि मध्यंत क्या है। ज्ञान से सदगति हो जाती है फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। जैसे संगम युग में जो ब्राह्मण ईश्वरीय ज्ञान पूरा उठावेंगे तो उनकी पूरी सदगति जब हो जाएगी तो फिर उनको अगले जन्म में ज्ञान लेने की दरकार नहीं रहेगी। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो लोग समझेंगे कि ये अनुभवी क्या। छोटा नौजवान होगा तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। और कोई बुजुर्ग होगा तो कहेंगे कि हाँ अनुभवी है, अनुभवी हाँ ये बात सच्ची सुना रहा होगा, जरूर सत्संग आदि किया होगा। कोई बच्ची छोटी समझा लेगी तो कहेंगे ये क्या हमको समझाएगी, ये क्या जाने। तो ऐसे ऐसे पर बुजुर्गों का असर पड़ता है। बाप एक ही बार आकर ये नारी समझाते हैं, तत्व प्रधान बनाते हैं, माताएं बैठ उन सन्यासियों को समझा लेंगी तो और ही खुशी होगी। क्या सन्यासियों को अगर कोई पुरुष ज्ञान बैठ बैठ कर समझाएगा और कम उम्र वाला समझाएगा तो उन्हें अहंकार आ जाएगा, और माताएं समझा लेंगी तो ध्यान से सुनेंगे खुश भी होंगे। तो बोलो ज्ञान का सागर, बाप ने ज्ञान का कलश, बाप ने ज्ञान का कलश हमको दिया। शास्त्र में भी कथा है ना, सागर मंथन हुआ ज्ञान कलश निकला तो ज्ञान कलश किसको दिया गया है, लक्ष्मी को ज्ञान कलश दिया गया। तो ज्ञान कलश बाप ने हमको दिया, हम माताओं को, जो हम फिर औरों को देते हैं। बहुत नम्रता से बोलते रहना चाहिए और पुस्तक भी दिखाना चाहिए जिसमें एक ही शंकराचार्य वाद लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि माताएं सब नरक का द्वार, क्योंकि वो तो माताओं को छोड़ करके भागते हैं। अपन को नहीं कहेंगे कि हम नरक के जीव रहे हैं, हम साथ में रह करके नरक में गए बगैर रह नहीं सकते। दूसरों को ऊपर, माता के ऊपर उंगली उठाते हैं। और शिवाचार्य वहां के है, माताएं नरक का द्वार खुले। ये क्या बात, ये शिवाचार्य में और शंकराचार्य में क्या अंतर हो गया। शंकराचार्य ऐसे क्यों बात करते हैं कि माताएं नरक का द्वार है, और शिवाचार्य ऐसे क्यों कहते हैं कि माताएं स्वर्ग का द्वार है। क्योंकि शंकराचार्य माताओं के साथ में रह करके भिखारी बिना बिगड़ रह नहीं सकते, और शिवाचार्य चाहे माताएं हो चाहे कन्याएं हो उनके बीच में रह करके भी क्या पवित्र बनकर के एवर प्योर बनकर के दिखाते हैं। तो शिवाचार्य माताओं को स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनाते हैं और शंकराचार्य उनको नरक का द्वार बताते हैं। शिव ही ज्ञान का सागर है जो कि हमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट खोलता हूँ। क्या था? मुक्ति के भी गेट खोलता हूँ तुम्हारे द्वारा और जीवन मुक्ति के भी गेट खोलता हूँ। मुक्ति मन शांति धाम में जाएंगे, एक बाप को याद करेंगे, एक बाप ही बुद्धि में होगा और कोई भी दुनिया का व्यक्ति बुद्धि में नहीं आएगा। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, ये बात बुद्धि में पक्की होनी चाहिए। क्या हम कोई मनुष्य आत्मा के द्वारा पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। तुम सभी भक्ति के सागर हो, सन्यासी को बताओ तुम सभी भक्ति के सागर हो। क्यों ज्ञान ही नहीं, भक्ति आती है रावण से, रावण के अनेक सिर होते हैं, अनेक सिरों से रावण के हाथों में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। तो बताओ ये जो वेद शास्त्र बनाए हैं
वे ढेर मनुष्यों की मत पर बने हुए, कोई रावण के एक मुख ने शास्त्र नहीं बनाए, ढेर मनुष्यों ने शास्त्र बनाए, तो ढेर प्रकार की उनमें बातें लिखी हुई है। कोई ने कहा इस रास्ते पर जाओ तो स्वर्ग मिलेगा, कोई कहता है इस रास्ते पर जाओ तो स्वर्ग मिलेगा, तो एक बात पक्की होती नहीं, एक दूसरे को काटने वाली बातें हैं। तो तुम सब हो भक्ति मार्ग की अथॉरिटी, और ज्ञान एक से आता है, अज्ञान रूपी भक्ति अनेकों से आती है, ज्ञान एक से आता है, इसलिए हम हैं ज्ञान की अथॉरिटी। भगवान आकर के हमको ज्ञान की अथॉरिटी बनाता है, ज्ञान की अथॉरिटी एक में ही होती है और वो एक से ही मिलती है, महिमा भी एक की ही करते हैं। 20 मार्च 1967 की वाणी का तीसरा दिन, एक की महिमा करते हैं वो ऊंचे से ऊंचे, तो हम ऊंच की ऊंच से ऊंच की मत पर चलते हैं, हम और कोई मनुष्य की मत पर चलते नहीं है, हम एक की ही मानते हैं और किसी की बात हम सुनने वाले भी नहीं, वो हमको ब्रह्मा ढंग से पढ़ाते हैं, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी हम गाए हुए हैं। ऐसे बहुत मुख्य रूप से बैठ करके समझाओ, बल कितना भी पढ़ा हुआ शंकराचार्य हो सन्यासी हो, ढेर प्रश्न करते हैं, पहले पहले तो बाप पर उनको निश्चय कराना, क्या तो निराकार बाप से सुप्रीम सोल इस शक्ति पर, जो इस शक्ति का पिता है, आदम है, एडम है, आदि देव है, महादेव कहा जाता है, उसमें इस शक्ति पर आया हुआ, तो पहले पहले बाप पर निश्चय कराना है, और दुनिया भर की लंबी चौड़ी बातों में नहीं जाना, पहले पहले कोई को बाप का निश्चय कराना, पहले तो ये समझो कि रचयिता बाप है या नहीं है। घर में भी कोई घर घर होता है तो उसमें रचयिता कौन कहा जाता है, बच्चे कहे जाते हैं, बच्चियां कही जाती हैं, माँ कही जाती है, या बाप कहा जाता है, बाप रचयिता कहा जाता है। ये सृष्टि भी एक प्रकार का परिवार है, इस सृष्टि रूपी परिवार में जो पिता है वो आदि पिता एक ही है, उस आदि पिता को सब धर्म वाले मानते हैं, मुसलमान उसको क्या कहते हैं, आदम, क्रिश्चियन कहते हैं एडम, जैनी लोग कहते हैं आदिनाथ, और हिंदुओं को उसे आदिदेव कहा जाता है, तो वो एक ही है, सभी का रचयिता एक शिव बाबा है, वही ज्ञान का सागर है, और वो ही इस शक्ति पर आकर के बाप भी बनता है, टीचर भी बनता है, और गुरु भी बनता है, एक ही रूप में वो बाप भी है टीचर भी है, और वो दुनिया में ऐसा नहीं होगा, दुनिया में कोई का बाप अलग होगा तो पढ़ाने वाला टीचर अलग हो, चलो बचपन में टीचर आप उसका बाप भी हो, लेकिन ऊंची पढ़ाई का पढ़ाने के लिए जरूर टीचर अलग होगा, गुरु तो और ही अलग होते हैं, बाप टीचर और सब गुरु, तो तुम्हारा तीनों एक ही है, और दुनिया में जो लौकिक बाप टीचर सदगुरु होते हैं गुरु होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। अच्छा बाबा अपना गांव है, गांव के पांडवों की बातें हैं, जो कि एक रात में कोई किसी गांव में मंदिर बना हुआ है, एक रात में कोई कुआं बना हुआ है, तो उसका क्या राज है बाबा, क्या राज है, ये रत्नागिरी रत्नों का पहाड़, क्या गिरी माने पहाड़, रत्न माने रतन, ज्ञान रतन, ज्ञान रत्नों का ऐसा पहाड़ है, वो थोड़े समय में नई दुनिया बना देते हैं, भक्ति मार्ग में दिखाया हुआ है, एक ही जगह में नई दुनिया बन जाती है। हमारे गांव में जो एक कुआ है वो एक रात में पांडवों ने बनाया, गाँव वाले तो कुआ बनाया, तो आज की दुनिया में कोई बड़ी बात नहीं, हाँ तो हरियाणा में तो पूरी सड़क बना दी एक रात में, और गायन है विठ्ठल रुक्मिणी का मंदिर पीछे है और विठ्ठल का आगे,
उनको आगे रखते हैं, भगवान को आगे रखते हैं, भगवती ठीक है। साथ में नहीं है उनकी मूर्ति, अलग अलग करते हैं। मंदिर में क्यों गई है? ठीक है, रूठ के गई है। अभी क्या है उसके लिए? क्यों गई? रूठी होगी तो रुक गई। भगवान से तो कपड़े उठना चाहिए।